कि जो पुराना टेंडर हुआ था, निविदा हुआ था, लगभग वो हम लोगों ने लगभग सारा रद्द कर दिया है। पहले 826 करोड़ का रद्द हुआ था और अभी लगभग 3600 करोड़ का निविदा रद्द हो चुका है, जिसको जोड़कर लगभग 4400 करोड़ का टोटल निविदा को रद्द किया गया है। देखिए टेंडर में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी जिसको हम लोग सही करने जा रहे हैं। 4000 करोड़ का टेंडर अभी तक रद्द हुआ, जिसको हम लोग संशोधित करके निकाल रहे हैं। वो संशोधन में क्लियर हो जाएगा कि कितना बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मामूली चेंज आएगा, लेकिन हम लोग नए तरीके से छूटा हुआ जो है वो ऐड होगा, तो बाकी कोई घर हमारा छूटेगा नहीं, ये हमारा प्रयास। ये सोलर सिस्टम से हमारा पानी चलेगा, पानी सोलर से बिजली को बचाते हुए हम लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार फोकस रहता है कि हम लोग सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। टेंडर में गड़बड़ी तो अलग बात है, टेंडर को हम लोगों ने संशोधित किया है। मुख्य रूप से आप ये जानिए कि हम लोगों ने संशोधित किया है, जो वार्ड छूटे हुए थे उस वार्ड को जोड़ा, कई हमारा टोला छूट गया था हमने टोला को भी जोड़ा, एक घर छूटे ना इसके लिए हम लोग उसको कंपाइल किए हैं कि कोई घर छूटना नहीं चाहिए। 4500 चापाकल लगाने का था, जिसको हम लोग लगभग 1500 अभी तक लगा पाए हैं और एक महीने के अंदर सारा चापाकल लग जाएगा। और जो मरम्मती वाला था लगभग कितना है, 80,000 चापाकल हम लोग अभी तक मरम्मत कर पाए हैं। जहां चापाकल से काम हो रहा है वहां चापाकल लग रहा है, जहां नल जल का काम चल रहा है वहां नल जल से पानी मिल रहा है, जहां दोनों चीज में दिक्कत हो रही है वहां हम लोग टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं। कहीं भी किसी भी गांव में पानी का किल्लत नहीं हुआ होने दिया जाएगा। आंधी तूफान आ गया, बिजली कट गया, दो दो दिन बिजली नहीं आ पाता है, कई बार ट्रांसफार्मर जल जाता है, इसको देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सोलर हमारा लगाना बेहतर रहेगा। जो नया काम करेंगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम सोलर सिस्टम से लागू करें। हम लोग पीएचडी विभाग जो काम कर रही है इसके लिए आपको बताने का हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, और खास करके बाढ़ सुखाड़ को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी दो दो बार हम लोगों के साथ बैठक करके निर्देश दिए कि कहीं भी जल का दिक्कत ना हो, पेयजल का कहीं भी दिक्कत ना हो। उसके तहत विभाग की जो तैयारी है, विभाग ने जो काम किया है उसके बारे में हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि जो टारगेट हम लोगों का था लगभग 4500 चापाकल लगाने का था, जिसको हम लोग लगभग 1500 अभी तक लगा पाए हैं और एक महीने के अंदर सारा चापाकल लग जाएगा। और जो मरम्मती वाला था लगभग कितना है, 80,000 चापाकल हम लोग अभी तक मरम्मत कर पाए हैं। जहां चापाकल से काम हो रहा है वहां चापाकल लग रहा है, जहां नल जल का काम चल रहा है वहां नल जल से पानी मिल रहा है, जहां दोनों चीज में दिक्कत हो रही है वहां हम लोग टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं। कहीं भी किसी भी गांव में पानी का किल्लत नहीं हुआ होने दिया जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 500 टैंकर अभी हमारा चल रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी टैंकर को बढ़ाने के लिए तो हम लोग और टैंकर को बढ़ाएंगे। जो सरकार का संकल्प है कि शुद्ध नल का जल हर घर पहुंचे, उसके लिए विभाग पूरी तरह कृत संकल्प है कि हमको हर हाल में शुद्ध नल का जल पहुंचे। ये मुख्य रूप से विभाग का भी काम चल रहा है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि जो पुराना टेंडर हुआ था, निविदा हुआ था, लगभग वो हम लोगों ने लगभग सारा रद्द कर दिया है। पहले 826 करोड़ का रद्द हुआ था और अभी लगभग 3600 करोड़ का निविदा रद्द हो चुका है, जिसको जोड़कर लगभग 4400 करोड़ का टोटल निविदा को रद्द किया गया है, जिसको हम लोग नए तरीके से, विभाग अब नए तरीके से काम करेगी, थोड़ा सा हाईटेक तरीके से काम करेगी। और जो छूटे हुए थे टोला हमारा, वार्ड छूटा हुआ था, कुछ मिस्टेक हुआ था, तमाम चीजों को जोड़ते हुए हम लोग नए तरीके से अब काम करने वाले हैं। जो वाटर का वेस्टेज होता था उसको ठीक करने के लिए जो हमारा नल था, हम उस पुराने नल को जितना खराब है या जो नया लगेगा भी, उसके जगह हम लोग पुश कॉक बोलते हैं, जो दबाएंगे तो पानी गिरेगा, फिर छोड़ देंगे तो वो पानी बंद हो जाएगा, उससे हमारा वाटर वेस्टेज जो है वो बचेगा। बच्चे आते थे नल खोल के चले जाते थे तो पानी बहते रहता था, तो उसको सही करने के लिए हम लोग अच्छे तरीके का नल लगाने जा रहे हैं। दूसरा जो वाटर पोस्ट हमारा है, जिसको पता नहीं चलता था कि कहाँ पर वाटर पोस्ट है, तो उसको हम लोग कलर करने जा रहे हैं, जो स्काई ब्लू और व्हाइट से हम लोग उसको कलर कर देंगे, ताकि दिखेगा उस पर पीएचडी लिखा हुआ रहेगा कि ये पीएचडी डिपार्टमेंट का वाटर पोस्ट है, यहाँ से पानी मिलेगा। और इसके अलावा कई चीज अब हम लोग हाईटेक करने जा रहे हैं। जो हमारा वहाँ मेन पावर रहता था, कभी रहता है कभी नहीं रहता था, जिसके वजह से हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक करने जा रहे हैं। ये सोलर सिस्टम से हमारा पानी चलेगा, पानी सोलर से बिजली को बचाते हुए हम लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे।
जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार फोकस रहता है कि हम लोग सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो उसको लेकर के हम लोग अपने टंकी के ऊपर सोलर प्लेट लगाने जा रहे हैं, जिससे हमारा पानी आएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम लगेगा जिससे पानी स्वतः टंकी में भरेगा और स्वतः मोटर बंद हो जाएगा। और जो हमने टाइम निर्धारित किया है लोगों को पानी के लिए कि सुबह का 3 घंटा, दोपहर का 1 घंटा, शाम का 2 घंटा, वो सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो स्वतः हमारा टाइमर लगा हुआ रहेगा जिसके वजह से अपने पानी जाएगा और अपने पानी बंद होगा। कई बार ऐसा होता है कि आंधी तूफान आ गया, बिजली कट गया, दो दो दिन बिजली नहीं आ पाता है, कई बार ट्रांसफार्मर जल जाता है। इसको देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सोलर हमारा लगाना बेहतर रहेगा। जो नया काम करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सोलर सिस्टम से लागू करें। इसके लिए हम लोग पायलट प्रोजेक्ट अभी करने जा रहे हैं, 10-15 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करेंगे, और वो पूरी तरह सही रहा तो हम लोग पूरे राज्य में जो बचे हुए जगह हैं उनमें सोलर लगाएंगे। जो हमारे पास खराब आया हुआ है पंचायती राज से जो आया हुआ है, हम लोग अगर उसको पूरी तरह दुरुस्त करेंगे तो हमारा प्रयास रहेगा उसमें भी हम सोलर लगा करके काम करें। तो विभाग पूरी तरह हाईटेक तरीके से शुद्ध नल का जल पहुंचाने के लिए संकल्पित। और कुछ पूछना है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहां पर शिकायत करने के बावजूद भी कोई पहुंच नहीं। नहीं, हम अभी आपने सही सवाल किया, हम अभी उसको भी देख रहे थे। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, टोल फ्री नंबर भी है, और पर डे वहाँ आदमी रहता है जो शिकायत को नोट करता है, कितना शिकायत आया, कितना डिस्पोजल हुआ, हमारे पास सारा डाटा है, हम डाटा रखे हुए। वैसे हम आपके चैनल को भी बता देना चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, हमारा टोल फ्री नंबर क्या है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8544-29024, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे जो भी शिकायत आएगा हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और एक हमारा टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर है 1800-123-1121। मैं आपको रिटर्न में भी दे रहा हूँ, अखबार में भी आप छाप दीजिएगा, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को फायदा मिलेगा। और इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है कि पर डे कितना शिकायत आता है और उसमें से कितने शिकायत का समाधान हुआ, वो मेरे पास, ये देखिए पूरा डाटा मैं मंगाया हूँ। आप चाहेंगे तो मैं आपको डाटा दे दूंगा। तो विभाग पूरी तरह मुस्तैद है कि हम शुद्ध नल का जल पहुंचाए। देखिए जी, टेंडर में गड़बड़ी तो अलग बात है, टेंडर को हम लोगों ने संशोधित किया है। मुख्य रूप से आप ये जानिए कि हम लोगों ने संशोधित किया है, जो वार्ड छूटे हुए थे उस वार्ड को जोड़ा, कई हमारा टोला छूट गया था हमने टोला को भी जोड़ा, एक घर छूटे ना इसके लिए हम लोग उसको कंपाइल किए हैं कि कोई घर छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़ा सा हम लोग हाईटेक किए हैं, थोड़ा सा हाईटेक किए हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम करने जा रहे हैं हम, नल बदल रहे हैं हम। हमारा नया नल लगाने का ये प्रयोजन है कि बच्चे नल खोल के छोड़ देते हैं जिससे वाटर वेस्टेज होता है, हमारा टंकी खाली हो जाता है, या फिर जितना टाइम हम पानी चलाते हैं ना भी कोई रहे तो पानी बहते रहता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम लोग पुश पंप लगा रहे, जो दबाएंगे तो पानी गिरेगा, नहीं दबाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। हम सोलर कर रहे हैं, हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को चेंज करने के लिए हम लोग लगभग टेंडर को कैंसिल करके पुनः नया टेंडर कर रहे हैं, ताकि हाईटेक तरीके से ये सब पानी मिले। हमारा पोस्ट कलरफुल पोस्ट होगा, हमारा देखिएगा कि पीएचडी का पोस्ट है, यहाँ पीएचडी का पानी मिल रहा है। तो लोगों को अवेयरनेस के लिए भी हम चला रहे हैं, हमारा दल निकला हुआ है कि पानी को वेस्ट ना करें, ये पीने का पानी है, ये आर्सेनिक फ्री पानी है, आयरन फ्री पानी है, फ्लोराइड फ्री पानी है। तो जिससे लोगों को पानी का फायदा समझ में आवे। अभी भी क्या होता है, लोग समझ नहीं पाते, गांव के लोग ध्यान नहीं देते कि कितना महत्वपूर्ण पानी है और पानी से क्या बदलाव होता है, ये पानी का क्या फर्क है, ये बताने के लिए हमारा टीम निकलेगा। और ये शुद्ध पानी है, जो हम लोग पानी बोतल में खरीद के पीते उससे बेहतर पानी हमारा है। ये जानकारी लोगों को अच्छे तरीके से मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे। अभी पानी को लोग वेस्ट करते हैं, खेतों में डाल देते हैं, सब्जी पटाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, मवेशी को पिलाने में, मवेशी को धोने में इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे लोगों से आग्रह भी करते हैं आपके माध्यम से, ये बहुत महत्वपूर्ण पानी और शुद्ध पानी है, इसको पीने में इस्तेमाल करें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपका पेट ठीक रहेगा, आपका दांत सही रहेगा, आपका बाल ठीक रहेगा, तमाम चीजों पर इसका असर पड़ता है शुद्ध पानी का। ये शुद्ध पानी है, इसको वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, इसको अपने पीने के लिए इस्तेमाल करें। ये आग्रह हम आपके माध्यम से आम जन को, बिहार वासी को जरूर करें। ये लगभग टेंडर 400 4000 करोड़ का टेंडर अभी तक रद्द हुआ,
जिसको हम लोग संशोधित करके निकाल लें, वो संशोधन में क्लियर हो जाएगा कि कितना बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मामूली चेंज आएगा, लेकिन हम लोग नए तरीके से छूटा हुआ जो है वो ऐड होगा, तो बाकी कोई घर हमारा छूटेगा नहीं, ये हमारा प्रयास रहेगा। देखिए टेंडर में थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी जिसको हम लोग सही करने जा रहे हैं और इसको डिटेल विस्तार से कभी आपको बताएंगे जी। अब वो पिछली सरकार में टेंडर हुआ था, लोग शिकायत कर रहे थे, कई शिकायत भी हमने नोट किया, कई संपादक के भी शिकायत थे जिसको हमने नोट किया है, लेकिन हम उन पुराने बातों पे नहीं जाना चाहते, हम नए तरीके से स्वस्थ मानसिकता से काम करना चाहते हैं, हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग बिना किसी पर आरोप लगाए, बिना नुक्ताचीनी किए, हम नए तरीके से हाईटेक तरीके से काम करेंगे और शुद्ध नल का जल जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, वो शुद्ध नल का जल हर घर तक पहुंचाएंगे जी। देखिए संशोधन में पूरा विभाग जो सर्वे किया है, जो हम लोग सोचे हैं, जहां तक हम लोग देख पाए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आगे कोई कमी नहीं रहेगी। अगर फिर कोई कमी रहेगी तो फिर संशोधन करेंगे, लेकिन अभी तक का जो हम लोग का है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बेहतर तरीके से टेंडर होगा और बेहतर तरीके से काम होगा। नहीं, काम तो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जहां से शिकायत आ रही है वहां हम लोग आदमी लगा रहे हैं और उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोग हर चीज को ठीक कर लेंगे। हम तो 6 महीना का समय मांगते हैं कि 6 महीने में जो भी गड़बड़ी है, हमारा प्रयास रहेगा जो पुराना लगा हुआ है 6 महीना में हम लोग हर जगह पानी चालू करेंगे और शुद्ध पानी मिलना शुरू हो जाएगा। जो शिकायत है उस शिकायत को हम लोग प्रयास करेंगे 6 महीने के अंदर दूर करेंगे। देखिए पंचायती राज से जो योजना हमारे पास आया है उसमें गड़बड़ी है, हम इग्नोर नहीं करते, गड़बड़ी नहीं है, हमको लगता है कि 50% से ऊपर गड़बड़ है, कमी है, जो भी कमी है हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि दुरुस्त करने का, और मेरा प्रयास है कि 6 महीने के अंदर सारा गड़बड़ी को दुरुस्त करते हुए सब नल चालू कर देंगे।